आप लोग चैनल क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद आप लोग को कंटेंट अच्छा देना है लोगों को, यही मेन है आपका। यदि आप कंटेंट लोग को अच्छा देंगे और थंबनेल अच्छे से लगाएंगे और आपके वीडियो में क्वालिटी होगी, लोग उसे देखना पसंद करेंगे। और आप अपना जो है तीन चीज़ ले लीजिए, एक स्टैंड ले लीजिए, एक माइक ले लीजिए, एक अच्छा फ़ोन ले लीजिए, या आपकी जो है घर में जो नॉर्मल भी फ़ोन है जिसमें आपकी फ़ोटो या वीडियो अच्छी आ जाती है, उस फ़ोन से आप अपना वीडियो शूट करिए और अपना स्टैंड लगा लीजिए, माइक लगा लीजिए, बोया का एक माइक ले लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप लोग जाके बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छा सा ट्राइपॉड ले लीजिए और उसके बाद अपनी वीडियो को ये तीन चीज़ों को था से आप वीडियो बनाइए। बहुत लोग के पास स्टैंड भी नहीं है तो आप अलमारी के ऊपर भी रख के या कहीं स्टे करके अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो आप आउटडोर में भी वीडियो जाके शूट करिए और लोगों को जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें आप लोगों को जो है कुछ ऐसे चीज़ों पर आप बात कर लीजिए आगे में ही शुरू में, जिससे कि वो आपकी वीडियो लास्ट तक देखते रहे। ऑडियो रिटेंशन जिसे बोला जाता है, ऑडियो रिटेंशन आप जितना ज़्यादा बरकरार रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो वॉच होगी और उतनी ज़्यादा आपके जो है सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरह से आप अपने जो है 4000 घंटे कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप 100 वीडियो डालें, आप दो ही चार वीडियो या 85 डालिए, आपके जो है कंटेंट में दम रहेगा तो आपके खुद ही सब्सक्राइबर इंक्रीज होने लगेंगे। दूसरा जो टिप्स है आप लोग के लिए, तो दूसरे टिप्स में आप जो है भीड़ से कुछ अलग करिए, क्योंकि जो है ज़रूरी नहीं कि आपको यूट्यूब पर नॉलेज है तो यूट्यूब टिप्स ही देना चालू कर दे, आप आगे चल के दीजिएगा, लेकिन आप जो है अभी भीड़ से कुछ अलग करिए। जब से आप भीड़ से कुछ अलग नहीं करेंगे तब से आपके चैनल पर ग्रोथ नहीं होगा। तो आप लोग कुछ जो है नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, जैसे यूट्यूब पर जैसे कि आप लोग कोई नया गैजेट आता है उस पर बताइए, आप लोग गूगल ट्रेंड में जाके आप लोग जो है कोई भी फ़ोन का जो है गैजेट रिव्यू देख लीजिए, उसके बारे में आप बताइए, और या तो नहीं भी है तो उसके पिक लगा के आप बता सकते हैं। और भी बहुत तरीके के जो चैनल आप बना सकते हैं जिससे आपके चैनल पे जो है ग्रोथ होगा, ब्लॉगिंग करिए, बहुत सारे जो है टॉपिक है यूट्यूब पे, तो शुरू में आप अपने जो है चैनल से ग्रोथ कर जाएंगे, फिर उसके बाद आप जो टॉपिक लाना है आगे चल के बनाइएगा उस पर वीडियो। लेकिन पहले आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं रेगुलर उस पर ही वीडियो डालते रहिए, अपनी कैटेगरी मत चेंज करिए, और उसके बाद आपके 4000 घंटे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड टिप्स की तरफ बढ़ता हूँ। थर्ड टिप्स में आपको जो है कुछ जो है स्मार्ट वर्क करना है, आपके जिस कैटेगरी का चैनल है आप लोग जाइए उस जो है कैटेगरी के यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे जो उसके कमेंट में जाइए, न्यूएस्ट कमेंट फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो नया नया कमेंट किया है कुछ देर पहले उसके कमेंट के लाइक करिए और उसके जो है चैनल पे जाके कमेंट वाले बॉक्स में अपने चैनल का लिंक दे दीजिए, वहाँ से भी उठ के आपके जो है चैनल पे सब्सक्राइबर आएंगे। और उसके इंस्टाग्राम पे भी जाइए, वहाँ पे अपने चैनल का लिंक छोड़िए। और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यही मेरा मेन टिप्स था, आप लोग कुछ स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाइए यूट्यूब पर, ताकि आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाए और आपके जितने जल्दी कम्प्लीट होंगे उससे इतना जल्दी आपका चैनल मोनिटाइज होगा और उसके बाद अपने चैनल से अर्निंग कर पाएंगे। मैंने मोनेटाइजेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो कैसे अपने चैनल को लिंक करना है एडसेंस से और उसके बाद अर्निंग करना है, तो जाइए वीडियो को देख लीजिएगा, पहले अपने जो है 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए। और चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड।